इस वक्त मौजूद हूँ नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के भरगामा में, और भरगामा प्रखंड कार्यालय का एरिया है ये। हम यहाँ पर स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है चुनावी माहौल और किन मुद्दों पर होगा इस बार चुनाव। भरगामा के बारे में थोड़ा सा ये बता दिया जाए कि भरगामा में इस बार 20 प्रत्याशी है, जो अररिया जिला में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी है इसी क्षेत्र से भरगामा में। लेकिन कौन है मुकाबले में, किनके बीच हो रही टक्कर, वह स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? सुनील झा। सुनील झा, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर के? चुनाव का माहौल तो ठीक है अभी, यहाँ मोटा मोटी बीजेपी और राजद में टक्कर है, भाजपा और राजद में टक्कर, भाजपा और राजद। अच्छा, ये बताइए कि 15 साल नीतीश कुमार का कार्यकाल और उससे पहले 15 साल लालू यादव के कार्यकाल को, दोनों को किस तरह से देखते हैं? शासन तो नीतीश का भी ठीक है, लेकिन बेरोजगारी तो दिए हुए है, बेरोजगारी भी है और जनता आत्मनिर्भर नहीं है जो होना चाहिए। सरकार की रीजन में सरकार जब बोल रही है जो सबका साथ सबका विकास, तो फिर विकास में है क्या? विकास थोड़ा बहुत है भी तो झपा जाता है बेरोजगारी के चलते। जैसे इस बार लॉकडाउन के चलते लोग बाहर से आया, और बाहर से आने के बाद यहाँ का लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस किया आर्थिक मामले में, और उसके लिए तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं उस ढंग का योगदान रहा। फिर भी और जनता से पूछिए। और एक चीज़ जाना पड़ेगा, एजुकेशन पे नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया, क्या यहाँ पे कोई बढ़िया कॉलेज है एक भी पढ़ाई के लिए? यहाँ कॉलेज नहीं है, एक भी नहीं, नहीं है। यहाँ रानीगंज में कॉलेज है, यहाँ कॉलेज नहीं है। भरगामा में एक भी कॉलेज? भरगामा में कॉलेज नहीं है। और भी कुछ लोग अच्छे से इधर आ जाइए, बोलने में क्या दिक्कत? क्या हाल है, किस तरह जो समझते हो, जो पार्टी को समझते हो, ये बताइए कि जो 15 साल नीतीश कुमार की हुकूमत रही है, उनका कहना है कि हमने तमाम क्षेत्रों का विकास किया है, तो क्या मतलब आखिरी जिला का आखिरी हिस्सा है ये, यहाँ के बाद सुपौल शुरू होता है, यहाँ पे किस तरह का काम हुआ है? काम विकास का, रोड बना है, बिजली दिया है, और क्या दिया है इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं दिया है। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? किसान है। इस बार मक्का वगैरह का खेती हुआ, किस तरह का रेट मिला यहाँ पे? रेट नहीं मिला मकई में, कुछ नहीं मिला। किसकी नाकामी है सब? अब सरकार का समझिए क्या नाकामी हुआ है, रेट तो नहीं रहा, आठ सौ 900 रुपये का रेट रहा शुरू में। लोग लाचार होकर खेती तो करना था, अगला उसमें खेती किया, उसको बेच के और भी धान हम लोगों का समाप्त हो गया। मतलब जो लागत हुआ वो भी नहीं, लागत गया वो भी चला गया, धान का खेती चला गया यहाँ। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है चाचा? राजिंदर चौहान। किस तरह का है चुनावी चर्चा यहाँ पे? चुनावी चर्चा वो क्या देखा जाए, चुनावी चर्चा तो यहाँ फूल और लालटेन में है। रही आप सरकार की बात करते हैं तो हमारा बात थोड़ा लंबा होगा, सुनेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले कि हम नीतीश सरकार से खुश नहीं हैं, कारण उसके पीछे, किसी भी सरकार को चलाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है, जिसको कि नीतीश जी ख़त्म कर दिए। आज एक मुखिया जो अंगूठा छाप है वो शिक्षक को सर्विस देता है। ये रोड बना देने से गरीब का उद्धार नहीं हो जाएगा, गरीब को रोजगार चाहिए। बिल्कुल। ये रोड बना देने से, ये 7 निश्चय योजना की बात करते हैं, इसमें लूट नहीं है तो क्या है? जहां 5 लाख का लागत है वहां 20 लाख रुपया दिए हैं नीतीश जी। अगर ये बात है तो हो जाता है उसको, अगर ये बात है सबसे पहले कि समाज को या सरकार को चलाने के लिए सर्वोपरि है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में तो नीतीश जी कोई काम किए नहीं, ऊपर से जो भी है शिक्षा व्यवस्था उसको चौपट कर दिए। आज दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल का, उसका है दिल्ली में कि नहीं, सरकार जो शिक्षक हैं उनका भी बाल बच्चा उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा सर, और जो भी है सरकारी सर्विस में उनका भी बाल बच्चा सरकारी स्कूल में ही बच्चे पढ़ेंगे। आज वहाँ का शिक्षा का व्यवस्था देखिए, और ये नीतीश जी का व्यवस्था देखिए, कम से कम लालू जी के सरकार से हम खुश हैं। जिस समय शिक्षक को सर्विस दिया जाता था तो उनका एग्जाम लिया जाता था, आज हमारा मुखिया है, किसी भी पंचायत के मुखिया हैं, अंगूठा छाप है, मुखिया बन गए और वो शिक्षक को नौकरी दे रहे हैं। ये तो नीतीश जी का कार्यकाल। इसमें कहा यह जाता है कि जो मुखिया नौकरी देते हैं ऐसे लोगों को देते हैं जो पढ़े लिखे भी ना हो और अपना हस्ताक्षर करना नहीं, इनको अपना नाम लिखना नहीं आता है, उनको मुखिया नौकरी देता है 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया लेकर, वो शिक्षा व्यवस्था क्या सुदृढ़ करेंगे?
अभी देखा जा रहा है कि पिछले 3 सालों से जो TET पास हुआ करता था, MA BA करके लोग भटक रहे हैं शिक्षक बहाली के लिए, लेकिन सरकार उसकी बहाली नहीं कर रही है। नहीं, यहाँ पैसा पे बहाली होता है, यहाँ पैसा पे बहाली होता है। मुखिया को क्या है, 5 साल मुखिया रहना है, पैसा कमाना है, जो 5 लाख दिया उसको दे दिया सर्विस। ये तो नीतीश जी का शासन का व्यवस्था खराब बहुत बिकता है। और रहा सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट जाइए कहीं भी दीजिए, 2 लाख 4 लाख रुपया दीजिए, 25,000 दीजिए, 25,000 में सर्टिफिकेट मिलता है। रही हमारा सबसे पहली बात है कि ये कहते हैं नीतीश जी शराब बंद कर दिए, कहिए नीतीश जी को हम कहते हैं कि कितना शराब चाहिए। मैं यहाँ भरगामा में ब्लॉक चौक पे खड़ा हूँ और थाना के बगल में शराब बिकता है, कहाँ है नीतीश जी, कहाँ है शासन? मैं बोल रहा हूँ खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम नहीं चोरी से बिकता है, खुलेआम कैसे बिकेगा, चोरी से बिकता है। जितना शराब चाहिए ला के देते हैं, ला के देते हैं, किसको चाहिए, कितना शराब, कितना पेटी चाहिए, 500 रुपया का शराब, आज करोड़ों रुपया अरबों रुपया का सरकार का क्षति हो रहा है शराबबंदी से। शराब बंद हो गया है क्या, कहीं नहीं बंद हुआ है, कहा जा रहा है होम डिलीवरी मिलने लगा है। होम डिलीवरी मिलता है, आप आए हैं, आप मीडिया से हैं, आप 10 मिनट समय दीजिए, कौन शराब चाहिए बोलिए, नहीं हम लोग को नहीं चाहिए, फोन करते हैं यहाँ आएगा। ये नीतीश जी का शासन है, ये नीतीश जी का शासन है, शराबबंदी यही है, शराबबंदी, होम डिलीवरी होता है। स्थानीय विधायक जो है उनके प्रति क्या, किस तरह का काम किया है वो? स्थानीय विधायक की बात तो, स्थानीय विधायक जो यहाँ के हैं अनिल बाबू राजद से हैं, काम तो करते नहीं है, फिर भी लोगों का उनके ऊपर स्नेह रहता है, इसलिए वो जीतते आ रहे हैं, काम नहीं किए हूँ भी, नरपतगंज में किए हैं, इधर नहीं किए हैं, क्षेत्र कोई भी है, क्षेत्र है, लेकिन जितना काम उन्होंने नरपतगंज प्रखंड में किया, आप वहाँ के जनता से जाके पूछिए, वहाँ की जनता अनिल कुमार से बहुत खुश है। लेकिन ये भी तो नरपतगंज का एरिया पड़ता है ना, विधानसभा अलग है, विधानसभा तो नरपतगंज है, विधानसभा नरपतगंज है। अच्छा एक चीज बताइए, लेकिन उनका घर तो इसी एरिया में पड़ता है? जी हाँ, ये भरगामा प्रखंड में उनका घर है। नरपतगंज विधानसभा ऐसा है कि नरपतगंज प्रखंड में 29 पंचायत है जो कि नरपतगंज विधानसभा में है, और भरगामा प्रखंड में 13 पंचायत है, ये दोनों मिला के एक विधानसभा है। एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि विधायक यहाँ के हैं, यहाँ काम नहीं किए, नरपतगंज में काम किए? बिल्कुल काम किए। और जो नरपतगंज के लोग हैं उनका कहना है कि विधायक हमारे यहाँ के नहीं भरगामा के हैं तो हम उनको वोट क्यों दें, ये क्या समस्या हो रही है? अब तो वोट तो है, वोट तो यहाँ भी है, वोट है यहाँ भी मिलेगी। अच्छा सहानुभूति वोट उनका है, घर है, हाँ वोट है, और वो जीतेंगे भी। ये सहानुभूति आप बोल रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर सहानुभूति वोट मिलेगी? हमारे लोकल हैं। अच्छा हमारे लोकल हैं, अभी जो BJP के जो जयप्रकाश जी भी कैंडिडेट बने हैं तो हम लोगों को तो सभी मिले भी नहीं है, ना मिला है उनको हम लोगों से, और BJP भी है यहाँ वोट देने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है जो BJP को वोट नहीं है, BJP को भी वोट है, लेकिन हम लोग तो भाई राजद के हैं, हम लोग तो राजद कांग्रेस का गठबंधन है तो जाएंगे कहाँ। ए सर जी जी, ये मेरा लड़का है, ये पढ़ता है 9वीं क्लास में, क्या इससे पूछिए कि ये जो शिक्षण संस्थान है ये संतुष्ट है उससे? जबकि क्या नाम है बाबू? शिवम कुमार। कहाँ पढ़ते हो? अभी घर पर पढ़ते हैं, जवाहर उच्च विद्यालय भरगामा। सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था, पढ़ाई होती है यहाँ पर? उतना अच्छा से नहीं होती है, नहीं सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ाते हैं। आए शिक्षक आए स्कूल में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बच्चा उधर बेंच पीट रहा है, कोई इधर खेल रहा है कोई उधर, लेकिन शिक्षक को कोई मतलब नहीं है बच्चों से, नीतीश सरकार जो कहती है कि हमने शिक्षा में सुधार किया है वो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है? जमीनी स्तर पर सर कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल दिखावा है। आपको नहीं है तो किसी रोज आप स्कूल में आइए, मीडिया के लोग हैं, आप देखिए कि शिक्षक क्या करते हैं और बच्चा क्या करते हैं। और भी कुछ लोग इनसे जाने की कोशिश करेंगे, आइए चाचा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा कैमरा भी खुद से चलाना पड़ता है। चलिए हाँ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलामुद्दीन हुआ। चुनाव को लेकर कैसा माहौल है, मतदान कर रहे हैं ना? मतदान क्या करें, अब 5,000 टका लगता है तो बाल बच्चा के भेजे हैं दिल्ली कमाने के लिए, वो भी चला भूख मरते हैं कि नहीं। अच्छा हाँ, कहाँ से क्या हम लोग करेंगे, हमारा हाथ नहीं, एक बेटा है कमाते है खाते ऐसे, हाँ टहल के क्या करता है कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन वगैरह मिल रहा है? बूढ़ा पेंशन मिलता है, कितना मिलता है? 400। अच्छा। पैसे क्या मिल जाता है? हर महीना मिल जाता है? हाँ इधर तो हर महीना दिया है, उधर तो 3 महीना 4 महीना दे, 1-3 देते कुछ काम चले, और वो 4 जगह भेजता है, कौन काम होगा कुछ नहीं।
तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हम 1000 देंगे जीतने के बाद। अब जी करे वो जीतेगा कि क्या होगा कौन पता है। हाँ वही बात, यहाँ एक तो रसीद कटाता है 1.5 कट्ठा के, कहता कि मतलब 500 टका जमा कीजिए, यही दिक्कत है। बसोवास में 1.5 कट्ठा जमीन है, कहता 500 टका जमा कीजिए तब काटेगा। कौन लेता टका? कौन लेगा यहाँ का अथी लेता है? कर्मचारी। कर्मचारी हम लोग क्या करेंगे ऐसे। घर कहाँ हुआ आपका? घर बस भरगम में है। अच्छा, बगले में है। यादव के बात पर वोट दे रहा है और इसलिए दे रहा है जो हम लोग जो है ना, हम लोग इस सरकार नीतीश सरकार से खबा हो गए हैं। जब रोड पर चलते थे मोटरसाइकिल लेके तो पुलिस वाला कहता था अरे रोको 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 गाड़ी रोको, और गाड़ी रोकते थे, लाइसेंस है तो है, ड्राइवरी अथी क्या कहते हैं गाड़ी का पेपर है तो है, जूता है तो है, सारा चीज चेक करता था। तब कहता क्या साला तुमको जो है हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, तातर बेत खींचता था और कहता था कि लाओ 500 रुपया मदर से छोड़ो, भागो 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 500 रुपया लेकर। कब का बात है? कब का बात है? यही महामारी का बात था, लॉकडाउन में। हाँ लॉकडाउन में इतना, हाँ इसी लेकर के हम लोग का महामारी हम लोग का बिहार में नहीं है। पुलिस करता है अभी भी, पुलिस अभी भी कर रहा है, हर एक पुलिस कर रहा है, अभी भी पुलिस करता है। इसलिए हम लोग गुस्सा करके कहे कि अब की बार साले को जो बदल देना है सरकार को, पूरा खड़ा कर देता है। सुनिए हमारा बोला था बीच रोड में खड़ा कर देता है, 50 टका दीजिए। क्या है, क्या अंग्रेज का राज है? अंग्रेज का मोदी तो इतना बढ़ा दिया कि देश को नाश कर दिया। मोदी जी को तो आप ही लोग बनाए ना। आप गया हूँ, आएगा फिर तब बम में देंगे। अब गया, अब आ गया दारू का, दारू नीतीश खेला करता है यहाँ सबको, दारू इंग्लिश हाफ लीजिएगा, अभी हाफ लीजिएगा, 2400 टका दीजिए, हाफ लीजिए 2400 में, 2400 टका दीजिए, हाफ मिलेगा। उसका कमा नीतीश कुमार लेता है, सब तो घूस लेता है, घूस लेता है। इस वक्त हम आ चुके हैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के भरगामा प्रखंड अंतर्गत सुकेला मोड़ पर। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे चुनाव का क्या माहौल है और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने जा रहा। सबसे पहले हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार यादव। चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ? देखिए बेरोजगारी, शिक्षा और ये तानाशाह सरकार के विरोध इस बार जो है चुनाव होने जा रही है, और इस बार परिवर्तन की लहर है और इस बार परिवर्तन होना तय है। यह सरकार जो है सभी मोर्चे पर विफल है, इनका एक भी काम धरातल पे नहीं है और सारे काम इनके जो हैं कागजी खानापूर्ति है। इनका कहीं भी सफलता का कोई चिन्ह जो है, कोई चीज़ जो है धरातल पर नहीं है। 15 साल के कार्यकाल में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार रही, तमाम तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगे, कैसे देखते हैं? ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। हर एक मोर्चे पर इनका भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, चाहे वह नीचे मतलब पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो है, इनका जो है सारे विभाग में लूट खसोट और भ्रष्टाचार बेशुमार है, जिससे यहाँ की जनता त्राहिमाम है और लहर की ओर जो अपना मन बना लिया है। चलिए और भी कुछ लोग, क्या नाम है आपका? प्रताप नंद यादव। किस तरह का माहौल है यहाँ पे? माहौल तो बहुत बहुत गड़बड़ है, लेकिन परिवर्तन का लहर है, क्योंकि परिवर्तन होना आवश्यक है, नहीं होगा तो कोई बात और खराबी पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। कैसा परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाहिए, शिक्षा, बेरोजगार, दवाई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होना है, और 15 साल के सरकार में भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक पहुंच चुका है, और जनता मारामारी फिर रहा है, कोई काम रोजगार नहीं है। इसलिए हम लोग परिवर्तन के में फेर में लगा हुआ हूं और भारी मोहब्बत से हम अपनी सरकार बनाएंगे। किसकी सरकार बनाएंगे? तेज प्रसाद यादव के, राष्ट्रीय जनता दल का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सिकेश कुमार, और अब की बार मेन मुद्दा है बेरोजगारी, और हर युवा के दिल में बेरोजगारी का जो है एक लहर है, जो अभी इस सरकार क्या में बेरोजगारी होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए? बेरोजगारी दूर होना चाहिए, और सभी युवाओं ने एकजुट होकर अब की बार बेरोजगारी को दूर करने के लिए परिवर्तन का एक लहर चला है, और हर क्षेत्र में भी, पूरा बिहार में
परिवर्तन का क्षेत्र है अबकी बार, और सभी युवाओं मिलकर और अबकी बार सरकार बदलने जा रही है, परिवर्तन का लहर है। और इस सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि यह घुसखोरी, अभी आप प्रखंड लेवल पर चले जाइए, उसमें बिना चढ़ावा के दिए कोई चीज़ नहीं होने जा रहा है, सब कुछ मतलब सब कुछ घुसखोरी के नाम पर हो रहा है। जब तक आप रुपया पैसा नहीं दे रहे हैं तब तक कोई भी काम नहीं होने जा रहा है। पंचायत स्तर में जाइए, वहाँ भी घुसखोरी है, सब कुछ है। और सभी युवा मिलकर अब की बार एकजुट मन बना लिया है, सरकार का परिवर्तन करना है, नया सरकार लाना है, युवा सरकार लाना है, और युवा सरकार ला के अपना सब अपने बेरोजगारी को दूर करना है। सभी को उम्मीद लगा हुआ है, नया सरकार आएगी और हम लोग के रोजगार मिलेगा और अच्छा से हम लोग जीवन यापन। मतलब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का आश्वासन दिए, उसी के भरोसे सरकार बना रहे हैं। देखिए, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी पिछले बार जो है चुनावी सभा में घोषणा किए थे 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे हम पर साल, मगर अब की बार ये सरकार को 10 साल होने चली है, 10 साल ये 6ठा 7वां साल है, और ये सरकार में एक भी नौकरी नहीं मिली है, और जिसके कारण युवाओं में एक मतलब आक्रोश है, आक्रोश जमा हुआ है कि हमको रोज़गार नहीं मिल रही है, और बाकी जो भी काम हो रही है वह घूस के थ्रू हो रहा है, कोई भी काम अच्छा तरह से नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिंटू कुमार हुआ। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? रोजगार के मुद्दे पे इस बार वोट दे रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने भी इससे पहले पिछले साल वादा किया था 19 साल नौकरी देने का पिछली बार, और 15 साल उसकी सरकार होने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं दिया, जबकि सबको मतलब कि हर तरफ बेरोजगार बैठे हैं पूरे बिहार में। इस बार लॉकडाउन में ही पता चल गया कितने मजदूर बाहर रहते हैं, इसलिए हर किसी में आक्रोश है नीतीश कुमार को लेकर, और इस बार उसकी सरकार हटानी है और युवा सरकार चाहिए। ये जो तेजस्वी यादव जी 10 लाख नौकरी का जो वादा किए हैं उस पर हमको भरोसा करना होगा, और हम दे रहे हैं उसी पे, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार को भी मौका दिया गया, वो 19 लाख का वादा किया था बट कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को दस लाख तो तेजस्वी यादव अभी वादा कर रहे हैं, और अभी ही NDA की तरफ से वादा किया गया कि हम आएंगे तो 19 लाख देंगे, तो 10 लाख पर भरोसा कर रहे हैं, 19 लाख पर नहीं। देखिए, जहाँ तक बात रही NDA की, अगर उसे देने की होती तो उसका साल 15 साल से है, उसका सरकार 15 साल से है, इतना दिन बाद वो क्यों वादा कर रहा है? 15 साल में कहाँ कुछ किया, ये तो फेंक रहा है। ये अगर 10 का किया तो वो 19 का कर दिया, ये तो फेंकना हुआ ना। अगर देने का होता तो 15 साल पहले भी देता ना, वो दे सकता था ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इम्तियाज आलम हुआ। किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं? आपका नाम है वोटर लिस्ट पर? नाम है तो है, नाम है, वोट गिराते हैं, आपकी बार गिराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग के पास ये शिक्षा का बहुत कमी है, यहाँ बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे शिक्षा ऐसे युवक हैं जो अभी तक BA ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है उसके साथ। तो इसलिए हम लोग जो है विचार किए हैं कि थोड़ा सरकार बदल के देखते हैं एक बार। 15 साल मेरे पास उसको टाइम दिए हम लोग, लेकिन कुछ नहीं कर पाया है, तो इसलिए हम लोग जो है 5 साल इसको भी देखेंगे। युवा है, कुछ भी कर सकता है, अभी युवा का लहर है, तो इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं। अभी शिक्षा की क्या व्यवस्था? अभी शिक्षा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो बेरोजगारी मान लीजिए कि अभी कितना भी आदमी है, कितना लॉकडाउन में अभी फंसा हुआ है था, जो अभी तक कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं किया जी। क्या बोले थे, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? चुनाव इस बार देखिए, तेजस्वी की लड़ इसलिए है कि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बिहार में बढ़ी हुई है, इससे आक्रोश हो रहे हैं। अब बात रही जैसे शराब की, नीतीश कुमार ने उसको शराब बंद कर दिया, और कहीं ना कहीं जितना शराब बिकता है तो उससे ज़्यादा जो है अभी सेलिंग हो रही है। वो लीगल होता था बट ये इनलीगल हो रहा है, हर कोई क्राइम पे उतर रहा है क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत से लड़के हर गाँव में आपको मिल जाएगा, 5-7 लड़के ऐसे मिल जाएंगे जो दारू बेचता हो, बहुत सारा तो वो कहीं ना कहीं क्राइम कर रहा है ना, कानून का विरुद्ध जा रहा है ना, तो क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार नौकरी नहीं दे रहे किसी को, बेरोजगार बैठाए हुए हैं, इसलिए इस नीतीश कुमार को इस बार उखाड़ फेंकना है बिहार से। और हमारे स्टेट में भी इस बार महागठबंधन की सरकार आ रही है, बात रही हमारी यहाँ निजी क्षेत्र की, तो यहाँ से प्रत्याशी हैं हमारे अनिल कुमार यादव जी, जो इस बार विधायक पद से, जो वर्तमान विधायक भी हैं, और इस बार भी जीतेंगे हर हाल में। इस बार वो निकाल पाएंगे? हाँ, ये उम्मीद है पूरी, क्योंकि काम भी अच्छा किया है, हम किसी तरफ नहीं बोल सकते। जैसे हम लोग को याद है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा वहाँ होता ना कादो टाइप से पानी पड़ने के बाद, वो सब रोड में जाना होता था बहुत जगह ऐसा था, बट हर जगह अभी रोड है, हर जगह सुविधा है, मतलब विकास हुआ। हाँ, विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है हमारे विधायक जी को लेकर हुआ है। बात रही स्टेट की, तो स्टेट में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, नीतीश कुमार बैठा के रख दिया सब कुछ, बर्बाद कर दिया।
क्या नाम? लालटेन चला, लालटेन बुलायो भाई साहब, लालटेन बुलाबियो फेरो दोहरा का नया सरकार बनावा बना फेरो छुट गए। हाँ बस भाग ले आज की बोल भाई, लालटेन तो जिंदाबाद छेबे के लिए तो की बात है। कौन है लालटेन छापते यहाँ? हाँ यहाँ कौन है लालटेन छापते? लाल फोटो तब आता हम कौन लालटेन, हमारे लालटेन जाने चाहिए। लालटेन साहब से कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है? अनिल कुमार यादव। अच्छा, जानते हैं उसको? हाँ बगल में घर है, बगल में घर, बस पड़ोसी है, उसको छोड़ के दूसरा को थोड़ी देंगे। पड़ोसी इसीलिए वोट दे रहे, पड़ोसी नहीं रहता तो नहीं देते। क्यों नहीं देंगे, फिर भी जीता है ना, कितने बार दिए है वोट? अपने घर में वोट नहीं देंगे, बाहर देंगे वोट। काम हम क्या है? हाँ काम तो सीमेंट के बोरी उठाते हैं 100 को। नहीं नहीं अनिल यादव काम किया है? काम तो बहुत किया, बहुत किया है, बहुत किया है, इधर भी काम किया, इधर भी किया, इधर भी किया है। थोड़ा सा यही है कि हमारे घर के पास सोलिंग रुक गया है। वो होगा 77। हाँ 77 काम किया है, 77 का काम किया है, 240 का और काम होना है। सिलाना सब का हो गया, सिलाना सब का हो गया, काम कर रहा पूरे जोर से लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं कर रहे, काम बहुत सबके दिल में जचा हुआ है, इसलिए हम लोग बताए क्या कितना काम हुआ। अब की बहुत ज्यादा काम हुआ, जितना नहीं होने का था उतना काम हुआ। अब की किसको ला रहे हैं इस बार? अब की लालटेन छाप को ला रहे हैं, तेजस्वी सरकार आएगा अब की। नीतीश कुमार तो अच्छा काम किया है, वो कुछ नहीं किया है, ना वो भुखमरी डाल दिया, बीजेपी वाला भुखमरी डाल दिया है। शराबबंदी तो किया ना, शराबबंदी तो किया ना, मगर घर घर बिक रहा है, बंद क्या किया? हम अभी शराब पी के घूम रहे हैं, अभी पी के घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घर घर मिल रहा है, कौन सा बंद कर दिया वो? अच्छा पहले कितना मिलता था, अभी कितना मिल रहा? अरे पहले 1 लीटर था, अभी 3 लीटर है। कितना मिलता था? है कितना मिल रहा? पहले 30 रुपया में था, अभी 100 रुपया में, कौन सा इसको ई कर लिया? अभी 100 रुपया का दारू पी जी नहीं, 300 का पी के घूम रहे हैं। हाँ काम क्या करते हैं? है काम क्या करते हम? बस का कितना कमाते हैं? है कितना कमाते? कमाए 6400। 6400 300 पी लिए हैं, 6000 जेब में, 3100 जेब में। सर उसका 300 खर्चा हुआ। हाँ नहीं करता तो 100 रुपये में काम निकलता, 100 रुपये में काम निकलता है। कौन सा सस्ता कर लिया ये? कहाँ शराब नहीं बिकता है कहिए, कहाँ कौन सा एरिया में नहीं बिकता? चलिए हम पूछा देते हैं, कौन सा काम ये अच्छा कर लिया है? सबको मार डाला है इसने, बीजेपी वाला सबको मार डाला है, अच्छा काम कुछ नहीं किया है। हाँ फोन कीजिए, होमलाइन होम डिलीवरी आ जाएगा आपके घर में। हाँ आप भी फोन करिए, आपके घर पहुँचा देंगे, अभी तुरंत मिल जाएगा बैठे बैठे, मतलब खुल्लम खुल्ला जी। चलिए वर्दी बदल लीजिए, आपको दिला देते हैं दारू। नीतीश कुमार बोलता है कि हम जो दारू बेचेगा उसको जेल कर देते हैं। अरे कुछ भी जेल नहीं करता, वो खुद जेल होने वाला है अब की। अरे हमको क्या करेगा वो, अब की खुद जेल जाएगा, हमको क्या जेल करेगा? अरे हम तो अंगूठा टेक हैं, चलो जेले कर दो। उस पर तो 56 घोटाले हैं। अरे हमरो ऊपर कोई होगा तो जमानत कराकर निकल लेगा, इतना इतना मंत्री घोटाला किया तो सब जमानत करके निकल गया। अरे हमको किन के मूल्य हैं, हमको क्यों ना जमानत दीजिएगा? संजय दत्त का टाटा वा केस वाला था, वो जमानत हो गया, हमारा कैसे न होगा? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शाहनवाज, बीरनगर बिसरिया भरगमा प्रखंड पड़ता मेरा घर। वोट डालते हैं ना? हाँ वोट डालते हैं। क्या किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? इस मुद्दे पर अब की बार हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नीतीश कुमार देखिए कि जल नल हरियाली, टोटी से पानी निकलने के बजाय वो दरवाजे पर ही पानी निकलता है, लोग कहता है कि यहाँ भूकंप हुआ है, ठीक है। इस वजह से जो भी काम किया सब उल्टा पुल्टा ही काम किया, भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी जाते हैं अफसरशाही में डायरेक्ट 20,000-25,000 घूस लाओ उसके बाद काम होगा, उससे पहले कोई काम नहीं होगा। एजुकेशन को तो अच्छा किया नीतीश कुमार? किया है लेकिन यही जो है पकौड़ा छकवाड़ा है, किया है लेकिन पकौड़ा जो छकवाड़ा है, पकौड़ा छाँकने से पेट चल जाएगा, सब पकौड़े छाँकेगा तो खाएगा कौन, पैसे नहीं रहेगा तो खाएगा कौन, अदर देश से आदमी आएगा। लॉकडाउन में देखबे किए बिहारी का कितना बुरा हाल, जो गरीब मजदूर है पैदल चल के खून पसीना बहा के सब एकदम बीमार की तरह, कोई मरा कोई कटा, जो हो के कोरोना नहीं है उसको कोरोना में ले जा कर के उधरे फेंक पाक दिया। अभी इलेक्शन है तो अभी कोरोना ना है, अभी सरकार को दिखाने पड़ रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं अफसर के अंदर डायरेक्ट आओ जाओ, अभी कोई कोरोना नहीं है, इलेक्शन हो जाएगा फिर कोरोना लागू हो जाएगा।
बस यही बात। उम्मीद है हम लोग पूरा फुल बहुमत से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि 15 साल जो नीतीश कुमार की हुकूमत रही, इस इलाके में कोई कारखाना फैक्ट्री कुछ लगा? देखिए काम हम लोग को अच्छा नहीं हुआ, इंदिरा आवास भी दिया तो अफसर सब ही ले लेता है, 40,000 उठता है उसमें 20-25,000 वही ले लेता है, 15,000 में घर बनेगा? बाथरूम के लिए अलाउ करता है 12,000-12,500 रुपया, बाथरूम क्या बनाएंगे उसमें से 6,500 रुपया वही ले लेता है, झूठ फूट का सब फोटो फोटो खींच के वार्ड सदस्य सब ले जाता है सब टका, बोलता है तुमको बाथरूम बनने है खाली 5,000 रुपया ले लो हो गया। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ? भ्रष्टाचार पूरा बढ़ा हुआ, अफसरशाही तो लगभग पूरा 99% बढ़ा हुआ। हमारा नाम ज्ञानचंद पासवान हो। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों को चुनाव हो रहा है? इस बार तो सरकार को बदलिए के रखेंगे, ठीक है, अभी नीतीश कुमार का वहाँ पहुँचा देंगे जो बांस का छिप्पा है वहीं पे लटका देंगे, ठीक है, सरकार ऐसा न हो साला जिसका घर में ढुका दिया वही साला गोली मारना शुरू कर दें। ये सड़क में क्या रखा है, अमृत मुंह में खाएगा, बच्चा का पेट भरता ही नहीं। देखिए कितना महंगा आलू कर दिया 40 रुपया, ठीक है, 20 रुपया टैक्स ले रहा है उसका, क्या बचेगा? ये तो बिहार में खा रहा है ना। कौन सरकार को ला रहा है? कौन सरकार ला रहा है? नया सरकार जो है तेजस्वी आ जाएगी, चिराग आ जाएगी, और क्या क्या कहते हैं जेपी नड्डा आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन सरकार नया आना चाहिए। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। 15 साल में कहा जाता है कि देखिए लड़कियां लोग जा रही है अभी यहाँ पर साइकिल चला करके, साइकिल दिए हैं, एजुकेशन साइकिल दिया है, वो तो एक साइकिल है ना, एक मिनट, वो तो साइकिल दिया नहीं है, साइकिल का 14 गुना ब्याज ले चुका है, अभी भी ले रहा है, रोड टैक्स कहता है, ठीक है, पुलिस वाला कमाई बढ़ा दिया है, क्या कमाई बढ़ा दिया, जिसका गाड़ी में प्रदूषण नहीं है, कहता है आपके कागज में लाइसेंस नहीं है, ओके का डनाडोर नहीं है, गांव में कच्चा नहीं है, कहां से देगा पब्लिक, सब पुलिस खाता है। देखिए ना कितना टैक्स बढ़ा दिया, जो गाड़ी हम 76,000 में खरीदते हैं थे वो 1,00,000 प्लस कर दिया, ये किस सरकार में हुआ? नीतीश सरकार में हुआ, कहाँ कुछ गाड़ी पे GST लागू कर दिया, महंगाई प्याज का देखिए, प्याज का 160 रुपया के जी हो गया, कहाँ से खाएगा, पत्थर खाने के लिए मजबूर हो गया आदमी, कहाँ से खाएगा, क्या खाएगा, बोल रहा है ये दिया वो दिया, 2,00,000 रुपया महीना लेता है नीतीश कुमार, ठीक है, आपको ब्लॉक में जो 4,00,000 रुपया महीना लेता है, कहाँ जाता, सब जनता का पैसा है, टेबलेट नहीं मिलता है, जनता को जा थाना जाते हैं, कहते जाओ फल्ला नेता को बुला लो, चिल्ला के ले इतना जो लगेगा कर लो, होने वाला है, जमीन का 5,00,000 रुपया जहाँ है वहाँ 3,00,000 रुपया स्टेडियम लगता है, 3,00,000, हाँ 3,00,000 रुपया स्टेडियम लगता है, करवाने जाइए, कर्मचारी कहता है हमको 5,000 टका दो, कहाँ से देगा किसान, जिस खेत में 5,000 का उपज नहीं होता है उसका मोटेशन 25,000 टका लेता है, 5,000 लेता है।